इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर इस अकाउंट के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ आता है क्रिएट एन अकाउंट और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आता है प्लीज़ हैव योर पेरेंट्स और गार्डियन टू नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाता है ईमेल वगैरह आप यहाँ पर डालते हैं तो वो यहाँ पर आप डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, बट वो मतलब दोबारा क्यों ये डालने के लिए ऑप्शन दे रहा है, मेन बात यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं कि आप 13 साल से बड़े हैं या 13 साल से नीचे के हैं, 12 साल से नीचे के हैं, ठीक है। तो उसमें आपके जो है गार्जियंस की परमिशन लगेगी। अगर आप 12 साल के हैं या 13 से नीचे के हैं और 13 से ज़्यादा के हैं तो उसमें कोई नहीं लगेगा, लेकिन हम 13 से ज़्यादा का सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और अपना जो है नेम वगैरह ईमेल डालते हैं, अपना पासवर्ड हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जो भी हमारा पासवर्ड है। उसके बाद हम उस पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करते हैं जो भी हमारा यहाँ पर पासवर्ड है। तो पहले मैं छोटा कर लेता हूँ इसे, ठीक है, और यहाँ पर इसे डालता हूँ। तो इसी तरीके का पासवर्ड यहाँ पर अब सेट करते हैं, तो हम यहाँ पर इसे डालते हैं। उसके बाद अपनी ईयर को जो है हम 12 साल से कम ही रखते हैं तो तब ये हमें इशू निकल कर आ जाता है। अब इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्लीज़ हैव पेरेंट्स और गार्डियन टू नेक्स्ट स्टेप, तो ये लिखा हुआ इस वजह से यहाँ पर आ जाता है। तो आप जो है अपनी डेट को 13 से ऊपर की डालिएगा तो ऐसा लिखा हुआ हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको समझ में आई और पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।